हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7, पैकिंग। तो ये ऑथर जो है, इन्हें पैकिंग करना बड़ा पसंद है। तो ये कहते हैं, आई सेट आई वुड पैक, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो वो कहते हैं कि मैं पैक करूँगा, और पैकिंग के बारे में इन्हें बड़ा प्राइड फील होता है। प्राइड फील होने का मतलब है खुद पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब सोचते हैं कि हाँ भाई, ये काम मैं बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ। पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो ऑथर समझते थे कि वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बजाय कि जो दूसरा इंसान है ना, वो उनसे ज़्यादा अच्छी पैकिंग कोई भी हो चाहे नहीं जानता है, वो बहुत अच्छे एक पैकर हैं। I impressed that fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely on me। और ये कहते हैं कि ये जॉर्ज और हैरिस जो इनके साथ एक ट्रिप पर जा रहे थे, उनका नाम था जॉर्ज और हैरिस, उनसे इन्होंने कहा कि पैकिंग को ना तुम मेरे पे छोड़ दो और तुम लोग आराम, मतलब मेरे पे छोड़ दो पैकिंग। इन्होंने सिर्फ यही बात कही थी। दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। तो वो लोग जो हैं, जॉर्ज और हैरिस, बड़ी जल्दी मान गए कि ठीक है भाई, आप ही कर लो पैकिंग। और ये बड़ी अनकैनी चीज़ थी। अनकैनी का मतलब होता है वियर्ड और अजीब सी चीज़ थी। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। तो उन्होंने क्या किया, जॉर्ज अपने पैर फैला के चेयर पर बैठ गया और हैरिस अपने पैर फैला करके, पैर उसने क्या किया, टेबल पे रख दिए, मतलब अपनी पैकिंग छोड़ करके दोनों के दोनों एकदम आराम से बैठ गए। क्योंकि ऑथर ने क्या कहा था, मैं पैक कर देता हूँ। ऑथर ने तो एक तरह से सजेशन टाइप का दिया था, वो तो बिल्कुल ही मान गए, बैठ गए सीधे। तो दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। तो वो ये तो नहीं चाह रहे थे ऑथर कि वो लोग बैठ ही जाएँ, वो ये चाह रहे थे कि मैं बॉस करूँ। बॉस करने का मतलब है बताऊँ कि ऐसे ऐसे पैकिंग करो और हैरी और जॉर्ज मेरी बात माने, मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करें। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट, देयर आर यू सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। तो मैं, ये ऑथर कहते हैं कि मैं उन्हें सिर्फ सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करनी है। वो लोग तो साइड में ही होके बैठ गए और मतलब कहने लगे कि पूरी पैकिंग कर दो। दे आर टेकिंग इट इन द वे दैट डिड इरिटेटेड मी। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। फिर इस बात से जो ऑथर कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए कि मतलब मैं काम करूं और वो लोग आराम से बैठे रहें, और ऑथर को इससे ज़्यादा, ऑथर जिन्हों ये स्टोरी बता रहे हैं, ऑथर को इससे ज़्यादा कोई और चीज़ इरिटेट नहीं करती है कि मतलब वो काम करें और बाकी लोग आराम से बैठे रहें। ये चीज़ तो ऑथर को कभी भी पसंद नहीं आती थी। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज़ टू मेक मी मैड दैट वे। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आर्ट्स टुगेदर। फिर कहते हैं, एक ऐसे इंसान के साथ मैं रहा हूँ जिसने मेरा पागल बना दिया था। वो लॉल ओवर सोफ़ा, लॉल ओवर सोफ़ा का इसमें मतलब है कि वो आराम से सोफ़े पे पड़े रहता था, लाई ओवर, आराम फरमाता था सोफ़े पे और मुझे घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। तो वो कहता था कि मेरे को मैस अबाउट करना, मतलब अव्यवस्थित करना चीज़ों को और इधर उधर सामान करना, परेशान होना, उससे मुझे ये करते हुए देखने में बड़ा मज़ा आता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। बट मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं दूसरे को, स्लेविंग एंड वर्किंग का मतलब है दूसरे इतनी मेहनत से काम करें और मैं आराम से बैठ करके देखता रहूँ। ये काम तो भाई मेरे से ऐसे नहीं होता है, मैं तो मदद करना चाहता हूँ लोगों की। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम वॉट टू डू। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कॉन्ट हेल्प इट। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पॉकेट में हाथ डाल के इधर उधर घूमूँ और लोगों को बताऊँ कि उन्हें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी है तो मैं क्या करूँ, मेरे से बैठा ही नहीं जाता है, ऐसा ऑथर बोल रहे होते हैं। However, I did not say anything, but started the packing। ये सब ना चीज़ें ऑथर के माइंड में चल रही थी जब उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि वो पैकिंग कर देंगे और वो उनके फ्रेंड्स आराम से बैठ गए, तो ऑथर अपनी पुरानी बातें सोचने लगे। अब ऑथर ने कहा कि भाई वो लोग तो आराम से बैठ गए हैं, तो अब क्या करना है ऑथर को, ऑथर को पैकिंग स्टार्ट करनी पड़ी। आपको समझ में आ रहा है ना, देखिए ऐसा हुआ इसमें स्टार्टिंग में कि ऑथर जो है वो कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे अच्छे पैकर हैं, मतलब वो सामान को बड़े अच्छे से पैकिंग कर लेते हैं।
फिर उनके दो फ्रेंड्स थे, वो इधर उधर सामान करने जा रहे थे। इन तीन लोगों को किसी ट्रिप पे जाना था, तो इन दोनों के, ऑथर के जो दो फ्रेंड्स थे उनसे पैकिंग नहीं हो रही थी। तो ऑथर के फ्रेंड ने कहा, मतलब बड़े परेशान हो रहे थे ऑथर के सारे फ्रेंड्स, मतलब दोनों जो लोग थे। फिर ऑथर ने उनसे कहा कि चलो मैं पैकिंग कर देता हूँ तुम लोगों की। तो ऑथर का मतलब था कि मैं हेल्प करवा देता हूँ, और वो दोनों बिल्कुल आराम से बैठ गए। फिर ऑथर अपने ख्यालों में खो गए कि मैं मतलब इतनी अच्छी पैकिंग करता हूँ और ये लोग मतलब ऐसे कर रहे हैं, फिर मैंने तो सिर्फ इनकी हेल्प करने की बात कही थी और ये लोग तो बैठ ही गए हैं और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, ये वो सोच रहे होते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि चलो कुछ नहीं करता हूँ और इनकी पैकिंग करना स्टार्ट ही कर देता हूँ। तो ऑथर ने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। और फिर ऑथर जब पैकिंग कर रहे थे तब उन्हें समझ में आया कि भाई ये काम तो थोड़ा लंबा है, मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। फिर फाइनली मैंने बैग पैक कर लिए सारे और फिर मैंने स्ट्रैप कर दिया, उनको बांध दिया। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। फिर हैरिस ने कहा क्या तुम इसमें बूट्स जूते नहीं रखने वाले हो। एंड आई लुक अराउंड एंड फाउंड आई हैव फॉरगॉटन देम। फिर मैंने देखा कि जूते जो हैं मैंने उसमें नहीं रखे थे। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई वुड गॉट द बैग शर्ट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स। एंड जॉर्ज लाफ्ड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। फिर हैरिस ने मतलब मुझे देखा कि मैंने पूरी पैकिंग कर दी, स्ट्रैप लगा दी, उसके बाद उसने कहा कि ये जूते क्या तुम पैक नहीं करोगे। और फिर उसके बाद जॉर्ज इस बात पे हंसने लगा बहुत ज़्यादा, और इस बात जॉर्ज की जो हंसी थी उसने मुझे इतना ज़्यादा इरीटेट किया कि मतलब ये कैसी हरकतें कर रहा है इस तरह से। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट इन। फिर ऑथर ने बैग को ओपन किया और बूट उसमें पैक कर दिए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरेबल आइडिया अकर टू मी। और जैसे ही मैं बैग को बंद करने वाला था एक हॉरेबल बड़ा ख़तरनाक सा आइडिया मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मतलब टूथब्रश पैक किया है नहीं किया है, अब ये वाला आइडिया दिमाग से जा ही नहीं रहा था ऑथर के। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। तो अगर मान लो मैंने टूथब्रश पैक ना किया हो, तो अगर मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस बात से तो मतलब मैं बिल्कुल पागल ही हो जाऊँगा कि टूथब्रश नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी लाइफ मतलब ट्रैवलिंग मिजरी बना देता, मतलब दुख भरी बना देता। आई ड्रैम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। और फिर मतलब मेरे को ड्रीम ही भी आ गया कि मेरे पास टूथब्रश नहीं है और सुबह सुबह मैं ठंड में उठा और मैं हंट कर मतलब निकल गया अपना टूथब्रश ढूंढने के लिए। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। तो जब मैं मॉर्निंग में, जब पूरी पैकिंग मेरी ख़त्म हो जाती है उसके बाद मॉर्निंग में मैं ब्रश करने के बाद अपना बैग में ब्रश रख देता हूँ और जब पैकिंग मैं खोलता हूँ तो वो लास्टिंग होती है निकलने वाली। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगॉट इट एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन अ पॉकेट हैंडकरचीफ। और फिर रेलवे स्टेशन जब जाने वाले थे तो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ था, ये ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा करते थे ना ऑथर, तो ये टूथब्रश कई बार भूल जाया करते थे, फिर उसको लेकर के आते थे, फिर रेलवे स्टेशन जाने से पहले अपने ऊपर जाके अपने हैंडकरचीफ में रुमाल में उसको पैक कर देते थे टूथब्रश को, इस तरीके की बातें वो सोच रहे थे। फिर वो आते हैं अपनी फिर से बात पे, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉटल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। फिर सारी की सारी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती उन्हें, फिर उसको देखना पड़ता, फिर नहीं होता होता सब कुछ, बहुत ये थिंकिंग बहुत परेशान कर रही थी ऑथर को। फिर आई रमेश का मतलब होता है बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी से सर्च करना, सारी चीज़ों को सर्च करने लगे। द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। फिर बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से चीज़ों को सर्च करने लगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से अपनी पैकिंग का सारा सामान इन्होंने फैला दिया। एंड वेन चाउस रीगेंड चाउस रेंड मतलब चाउस हर तरफ अफड़ तफड़ी हो गई, ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर एंड आई कुडंट फाइंड माई ओन। फिर मतलब इन्होंने जॉर्ज और हैरिस का कम से कम 18 बार कह रहे हैं कि इन्होंने उनका टूथब्रश ढूंढ लिया मगर अपना टूथब्रश इन्हें एक बार भी नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट आई रीपैक्ड वंस मोर। और फिर उन्होंने सारा सामान अपना फैला दिया, इनको इनका
टूथपेस्ट नहीं मिला। फिर एक बूट के अंदर जब सारा सामान हिला हिला के इन्होंने देखा तो एक जूते में से इनका टूथपेस्ट मिला, टूथब्रश मिला। फिर उसके बाद इन्होंने अपना सारा का सारा सामान दोबारा पैक किया। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it was not. And I slammed the bag shut and strapped it. And I found that I had packed my spectacle in it and had to reopen it. OMG. मतलब आप देखिए कि इनके जब उन्होंने पूरा बैग पैक कर लिया तो जॉर्ज ने पूछा इनसे कि क्या मतलब सोप है उसमें, तो ऑथर ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें सोप है या नहीं है, मगर फिर इनको ध्यान आया कि इन्होंने अपना चश्मा अपने स्पेक्टिकल पैक कर दिया है बैग में, तो इनको बैग फिर से ओपन करना पड़ा। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वॉन्टिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू रेस्ट एंड आई अग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड टू गो। फिर उसके बाद हैरिस और जॉर्ज ने कहा कि भाई हमें लगभग 12 घंटे में निकलना है तो अब हम दोनों को तो रेस्ट करना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ ठीक है जाओ रेस्ट कर लो, और फिर हम लोग मतलब वो लोग वहाँ से चले गए। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. With the exception of George Harris is the worst packer in the world. And I looked at the piles of plates and cups. हाँ तो मतलब फिर जॉर्ज एंड हैरिस इस तरीके का एटीट्यूड सा इन्हें दिखा के गए जैसे कि ऑथर को पैकिंग करनी नहीं आती है, मगर ऑथर सोचते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि जॉर्ज और हैरिस वर्स्ट पैकर हैं दुनिया के, इनको पैकिंग करनी नहीं आती। फिर ये कहते हैं मैंने पाइल्स ऑफ प्लेट्स और कप्स देखा। पाइल्स होते हैं जो छत्ता सा लग जाता है ना, बहुत सारी प्लेट्स एक साथ रखी होती हैं, कप रखे होते हैं, केटल बॉटल जार पाइप स्टोव केक्स टोमेटोज एक्सेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा और फिर इन्हें लगा कि बड़ी एक्साइटिंग होगी हमारी जो जर्नी होगी, इतना सारा सामान जब इन्होंने देखा, जैम स्पाइस स्टोव्स वगैरह। फिर इट डिड, दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। दे डिड दैट जस्ट टू शो दैट दे वुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। फिर उसके बाद मतलब वो एक कप ब्रेक हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे कि सामान सारा फैला हुआ होता है सारा का सारा, एक कप ब्रेक हो जाता है फिर इंटरेस्टेड है और ये वो, मतलब थोड़ा सा फन करने के लिए इस टाइप का चीज़ें होती हैं। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। तो मतलब वो इतने ख़राब पैकर्स होते हैं कि वो स्ट्रॉबेरी जैम को ऊपर रख देते हैं और नीचे टोमेटो रख देते हैं एंड स्क्वैश्ड इट, मतलब टोमेटो नीचे और जैम ऊपर, तो टोमेटो क्या होता है टोमेटो पे चढ़ जाता है और फिर उसको पिक करना पड़ता है एक टीस्पून से, एक चम्मच से जो है टोमेटो को फिर ऊपर बाहर निकालना पड़ता है। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, मतलब वो बटर पे मतलब ख़राब कर देता है बटर को इस टाइम जॉर्ज। आई डिडेंट से एनीथिंग, फिर ऑथर कहते हैं मैंने इस पे भी कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ टेबल एंड वॉश देम। फिर मैं तो भाई कोने में जाके बैठ गया और उनको उनके जो काम थे वो करते हुए साइड में बैठ करके देख रहा था। इट इरीटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और मैं कह सकता हूँ कि उन वो जो मुझे साइड में बैठा हुआ देख रहे थे ना इस बात से वो बहुत इरीटेट हो रहे थे। आई फेल्ट दैट, मैंने फील किया था। It made them nervous and excited and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. और फिर वो क्या कर रहे थे, सामान पूरा फैला हुआ था, एक दूसरी चीज़ पे चढ़ रहे थे, फिर जब जिस चीज़ जब उन्हें चाहिए थी जो चीज़ वो उन्हें नहीं मिल रही थी। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैच द पाइज इन। फिर पाई जो होती है ना खाने वाली काफ़ी सॉफ्ट होती है, उन्होंने सबसे नीचे पैक कर दी और बाकी भारी चीज़ें ऊपर रख दी, तो पाई पूरी की पूरी क्या हो गई, स्मैश हो गई, ख़राब हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और उन्होंने सॉल्ट जो है नमक वो हर चीज़ पर बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। फिर बटर भी उन्होंने पूरा तरीके से कह सकते हैं ख़राब कर दिया था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लिपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। अब स्लिपर को जो जॉर्ज अब स्लिपर से हटा तो वो स्लिपर को कैटल में डालने की कोशिश कर रहे थे, कैटल एक बर्तन होता है। इट वुडेंट गो इन, और वो उसमें नहीं जा रहा था। एंड वट वॉज इन वुडेंट कम आउट, और फिर जो चला गया वो बाहर नहीं निकल रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट ऑफ द लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर एंड हैरिस सेट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। फिर उन्होंने उसको नीचे रख दिया कैटल को और उसको
पेयर ऑफ शू को, फिर चेयर के नीचे, फिर हैरिस उसके ऊपर बैठ गया, फिर जब वो उसको ढूंढ रहे थे उसको नहीं मिला था। तो मतलब इस पूरे में ना ये है कि वो एक चीज़ जो है वो दूसरी जगह रख दे रहे थे, फिर जब जो चीज़ उन्हें चाहिए हो रही थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे चाहिए थी चीज़, वो उस टाइम पे उनको वो चीज़ मिल नहीं रही थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें मतलब उन्हें परेशान कर रही थी और उनको कुछ काम करना आ नहीं रहा था। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, I said Harris. Harris ने कहा, मतलब जॉर्ज ने कहा कि मैं ओथ ले रहा हूँ कि मैंने इसको चेयर पे रखा था, और मतलब एम्प्टी सीट की तरफ देख के कह रहा है कि मैंने इसको इस चेयर के नीचे रखा था, और चेयर के नीचे नहीं रखा था। जो जॉर्ज कहता है, हैरिस कहता है कि मैंने तुम्हें रखते हुए देखा था एक मिनट पहले। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर वो फिर से चीज़ों को जो है सेंटर में इधर उधर चीज़ों को देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने एक बहुत ही अलग सी चीज़ कही। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, मतलब पूरे के पूरे चैप्टर में ना वो चीज़ों के पीछे भागते ही रहते हैं। कोई चीज़ कहाँ रखते हैं उनको फिर वहाँ नहीं मिलती है, फिर वही चीज़ वो दूसरी जगह रख देते हैं फिर उन्हें नहीं मिलती है। इस तरीके से वो सारे के सारे जो है परेशान हो रहे होते हैं। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टीपॉट, फिर वो जो भी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं उन्हें फाइनली थोड़ी बहुत मिलती हैं, उनको वो पैक कर देते हैं। मॉन्टमोरेंसी वॉज In it all, of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shown at. तो वही था कि इनका जो पूरा का पूरा जो जर्नी का था ना, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हौश पौश सा सब कुछ हो रहा था, इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी तो ये लोग जॉर्ज और हैरिस थे यही पागल हो रहे थे, और ऑथर भी परेशान हो रहे थे। अब इनका डॉग आ जाता है मॉन्टमोरेंसी। अब वो कहते हैं उसका एक ही एम्बिशन था लाइफ का, लोगों के काम के बीच में आना और फिर स्कोल्ड होना, मतलब फिर डांट खाना। इफ़ ही कैन स्क्रिम इन एनी वेयर, स्क्रिम इनका देखिए मतलब होता है हमारा कि कहीं भी एक तरीके से ना जैसे कि बीच में को घुस जाता था और वो थोड़ा सा लोगों को घुस जाके परेशान कर देता था। तो जहाँ पर पर्टिकुलरली जिस जगह उसे नहीं जाना चाहिए था वो वहाँ जाता था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता था। अब देखिए जैसे कि डॉग यहाँ पर आ गया है ना। अब मॉन्टमोरेंसी गॉट इनटू हैम्पर बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन, तो वो उस पर डब पूरे सामान पर चढ़ जाता है जिस इससे पहले हैरिस उसको पैन की हेल्प से भगा पाता और चीज़ें और भी ज़्यादा फैल जाती हैं। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, स्टम्बल ओवर हिम का मतलब होता है ठोकर खा करके, मतलब जैसे गिर जाना ना। तो टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर इज़ द हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, एंड वेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्पलिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। तो मतलब एक दूसरे को वो परेशान कर रहे थे, डॉग भी बीच में आ गया था, वो भी परेशान एक तरह से करने लगा था, सामान को इधर उधर फैला रहा था। तो सारे के सारे पूरे में हौच पौच थी, पूरे चैप्टर में यही है। पूरे चैप्टर में कभी वो पैकिंग करते हैं, कभी हटाते हैं, फिर जो सामान रह जाता है उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं, वो सामान उन्हें नहीं मिलता है, यही सारा का सारा पूरे चैप्टर में चलता रहता है। अब इसमें है ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट वैन देवर वॉन्टेड टू बी पैक्ड, फिर वो उन्हीं चीज़ों पर आके बैठ जाता था जिन चीज़ों की पैकिंग के लिए ज़रूरत होती थी। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट वेन एवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनी थिंग एंड इट वॉज अ कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड, तो वो हर चीज़ पर बैठ जाता था और जैसे उठाने की कोशिश करते थे एक तरह से ऐसा लगता था जैसे कि डॉग उसी चीज़ पर जाके बैठ रहा है, और बार बार उनको वो चीज़ नहीं मिलती थी जैम। और फिर उसने क्या किया, डॉग ने अपना जो लेग है ना वो जैम में डाल दिया, और एंड ही वरीड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स एंड गॉट इन टू द हैमर एंड किल थ्री ऑफ देम बिफोर हैरिस कुंड लैंड हिम विद द फ्राई पैन, और वो नींबू जो फैले हुए थे डॉग को ऐसा लगा कि सारे के सारे नींबू रैट्स हैं, वो उनके पीछे घूमने लगा और एक तरह से उसको मारने के लिए जाने लगा। अब इसमें आगे क्या होता है कि हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डजंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट। हैरी कहता है कि मैंने एनकरेज किया है डॉग को कि वो परेशान करे सबको जा करके, फिर हैरी ऐसा बोल रहा होता है, फिर मैंने कहा कि भाई इस ऐसे तरह का जो डॉग होता है ना सबको परेशान ही करता रहता है, उसको किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी मतलब कि परेशान करो जाके वो खुद ही करता रहता है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट, कि भाई ये तो नेचुरली ही है कि ये लोगों को
बीच बीच में घुस के करता ही है परेशान. द पैकिंग वॉज फाइनली डन एट 12:50 एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. और वो हैम्पर मतलब पूरा जो बैग था जिसमें सामान इन्होंने खाने पीने का रखा हुआ था उस पर वो फाइनली बैठ जाता है और कहता है होप करता है कि कोई चीज़ टूटी ना हो. जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विद रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड. फिर वो कहता है कि जो टूट गई होगी वो टूट गई होगी अब भाई सोने जाते हैं. वी वर ऑल रेडी फॉर बेड हैरी हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर. हम लोग सोने गए और हैरिस भी उस रात वहीं पर सोने वाला था. हम लोग ऊपर की तरफ चले गए सोने के लिए. वी टॉस्ट फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी. ही सेड डू यू प्रिफर इनसाइड और आउटसाइड जे. तो मतलब मैं भी सोने चला गया हैरिस भी चला गया और हैरिस मेरे वाले बेड पे सोया. आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. हैरिस सेड इट वॉज ऑड. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शल आई वेक यू फेलास. हैरिस सेड 7. आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स. फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम बेड के ऊपर बेड के अंदर लोग पैकिंग करके सोते हैं ना बेड में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो बेड के अंदर पैक होकर सोते हैं. तो तुम पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से कैसे सोना पसंद करते हो. फिर दूसरा एक और जॉर्ज हैरिस पूछता है कि कितने बजे उठना है. तो कोई कहता है 6 और तो कहते हैं 7 मुझे लेटर्स लिखने हैं. फिर हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अप एट 6:30 जॉर्ज वी सेड. फिर वो कोई एक 6 कह रहा होता है एक 7 कह रहा होता है. फिर थोड़ी बहस के बाद वो 6:30 पे सारे लोग मान जाते हैं. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग over that he had been asleep for some time so we placed the bath where he could tumble into it on getting out of the morning and went to the bed ourselves. फिर वही कि हम लोग सब लोग सोने चले गए इस पूरी जो झमड़ था सारा का सारा उसके बाद. तो ये जो है ना ये स्टोरी जो है वो ली गई है 3 Men in a Boat 3 लोग जब ट्रैवलिंग पे जा रहे होते हैं उसकी जो पैकिंग की स्टोरी है उसमें से पूरा का पूरा ये चैप्टर लिया गया है. मेनली देखिए इस चैप्टर में ये है पैकिंग कर रहे होते हैं सारी की सारी चीज़ें फैल जाती हैं फिर इनमें बहस होती है. ऑथर को लगता है वो बड़े अच्छे पैकर हैं. बस यही सब इस पूरे चैप्टर में चलता रहता है. फिर फाइनली रात के 12-1 बजे तक सोने चले जाते हैं और सुबह 6:30 बजे उठने का प्लान बनाते हैं. तो चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है हमारा. थैंक यू.